हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे सुब्रमण्यु स्वामी थग लाइफ, सुब्रमण्यु स्वैग मूवमेंट। चले वीडियो देखते हैं, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम फर्स्ट टाइम सुब्रमण्यन को देखेंगे और हमें आइडिया नहीं है कि पॉलिटिक्स में या फिर जर्नलिस्ट है। चलिए देखते हैं, देखने से अंदाजा हो जाता है। और वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। हियर वी गो सुब्रमण्यन। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है, जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, ये सब मिलाकर। ठीक है, सावरकर को मानता हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता। तेरा बाप पाया। मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चल ही रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल लेवल पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये मोहब्बत के मजाहरे अगर होंगे तो अच्छा है, मोहब्बत के मजाहरे नहीं हो रहे यहाँ पर। ये हमको डराया जा रहा है। कौन डरा रहा है? सुनिए, कहाँ डरा रहा है? बिल्कुल देखिए, हाईकोर्ट का जब फैसला आया तो कुछ दंगे हुए इस देश में। कहाँ पे बवाल हुआ? जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया राम जन्मभूमि पर, कोई दंगे हुए, कोई बवाल हुआ, मेरी कोई तनाव हुआ? बिल्कुल कुछ। हिंदुस्तान की जनता मैच्योर है? नहीं, हिंदुस्तान की जनता, आप भड़काइए मत। आप, मुझे लगता है आप जो सियासतदान हैं आप भड़काते हैं। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता सुनिए, मुझे मुकम्मल। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नादिर शाह ने इस देश में, दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि ओवैसी उसका वारिस है। तो हम माने डीएनए एनालिसिस, तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है, इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, ये इसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, सभी को करते हैं। पर राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए। तो क्या पहले है? आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो बाकी भी मैं कहता हूँ बुद्धू है, हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव ही होता है, बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है, बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं, वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति। पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को मिला? वो तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण क्या है? मेरे देखा ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। राहुल गांधी जी बुद्धू है आप अपनी बहनी मना रहे हैं। ये देखिए कि 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की गई, 7 दिसंबर को फिर पूजा शुरू हो जाती है वहां पर, तो फिर कोर्ट कहां पर है फिर? और अब तक अगर जस्टिस वेंकट चलैया कार सेवा का परमिशन नहीं देते तो वहां पर डेमोलिशन नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट से हमको अभी भी उम्मीद है कि भैया 25 साल में एक मरतबा तो आप कंटेम्प पिटीशन सुन लीजिए। अब तक कंटेम्प पिटीशन हियर नहीं हुआ। और जस्टिस लिब्रन ने सही कहा कि क्रिमिनल केस खत्म होना चाहिए पहले। अगर क्रिमिनल केस खत्म नहीं होता, टाइटल सूट फरस करिए आप जीत जाते हैं, तो फिर वो केस तो इंफ्रक्चस होगा। यानी आप जो क्रिमिनल एक्शन किया गया डेमोलिशन का, उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ? ऐसा होगा इंसाफ? स्वामी जी, पहले तो हम कोर्ट में इसीलिए हैं कि दोनों के पक्ष सुन ले और फैसला हो जाए, नहीं तो हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, शाहबानू में रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला ही बदल दी। वो तो अभी भी हो सकता है, वो तो अभी हम तो जीतने वाले हैं यहाँ, तो नहीं? सवाल नहीं है। एक सवाल मैं इनसे ये पूछूंगा कि, और या मैं अपनी टिप्पणी करूंगा,
कि इन्होंने कहा कि शरिया में ऐसे हो समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, तो यहाँ ये बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? मजा आया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये भी बहुत सैवेज पर्सन है, कोई ऐसा बंदा नहीं है। राहुल गांधी भी बहुत बजा रहे थे यार, राहुल गांधी के सब बजा रहे होते हैं। और मतलब बीजेपी, ये भी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है, मतलब मोदी जी के साथ है ये। और मजा आ गया इस वीडियो का, काफी मजे की वीडियो थी और कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी थे इसमें और कुछ फन भी था, तो मजा आया। कंट्रोवर्शियल टॉपिक की तरफ जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि वो इंटरनल मैटर है इंडिया का, तो फन की तौर पर हम फन की तरफ जाएंगे। हाँ, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन लाजमी बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना